फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक्ट्रेंड्स अनलिमिटेड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा अंतर लग रहा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ पूरी गायब हो चुकी है, खांसते मेरा गला छिल चुका है। तो प्लीज़ इग्नोर करना मेरी वॉइस को, और मेरा थोड़ा हेयर भी मैस हो रखा है, नो बट अभी मैं थोड़ा रेडी होंगी क्योंकि आज है हमारे अपार्टमेंट में, मतलब हमारी सोसाइटी में नवरात्रि का फंक्शन। तो डांडिया होगा और थोड़े बहुत स्टॉल्स भी लगे और साथ में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी होगा, जिसमें एक ग्रुप परफॉर्मेंस है, एक नहीं एक्चुअली दो ग्रुप परफॉर्मेंस है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी। तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। बट मेरे को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है और वो ये है कि मेरा, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑरेंज आउटफिट है और मेरे पास तीन ऑप्शन हैं ईयरिंग्स के, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ईयरिंग्स पहनूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक ऑप्शन तो ये वाला है, एक मेरे पास ये पेयर है, एक ये है और एक ये वाला है। मेरे पास ये तीन ऑप्शंस हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा वाला पहनूं। और एक और है जो पूरा सेट है, मतलब उसमें मांगटी का भी, हमारे ग्रुप में जो भी डांस कर रहा है तो वो सबके साथ मांगटी का भी पहन रहा है, तो मैं ऑड वन आउट नहीं होना चाहती। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक और सेट है, वो मुझे मेरी भाभी ने दिलाया था और वो सेट है ये। आई एम नॉट श्योर कौन सा वाला अच्छा लगने वाला है। इसका मांगटी का जो है वो ये है। आई डोंट नो, कुछ ज्यादा ओवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं तो मैं एक चीज सोच रही हूँ, अगर मैं ये वाला सेट नहीं पहन रही हूँ तो मुझे एक जुगाड़ करना पड़ेगा मांगटी का। अगर मैं वो वाला सेट नहीं पहन रही हूँ ना जो आपको भी दिखाया, तो मैं इन दोनों में से कोई एक इयरिंग डालूंगी। तीसरा इयरिंग है, इसको मैं अपना मांगटी का बनाऊंगी। आई रियली डोंट नो हाउ। यार वाओ, आई थिंक अच्छा लग रहा है ये वाला, उससे तो बेटर ही लग रहा है। पोपट ना हो जाए बाद में, कहीं डांस करते करते निकल गया तो पोपट हो जाएगा। एनीवेज मैं आई थिंक यही जा रहा है, आई विल गो फॉर इट। तो चलो फटाफट रेडी होती हूँ क्योंकि हाफ एन आवर उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस है, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। और अभी मोहित का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम और क्यान सो रहा है, एंड मोहित मुझसे कह रहे हैं शायद से वो मेरा परफॉर्मेंस अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास काम अचानक से बहुत सारा आ चुका है। तो मैंने भी प्रेशर नहीं डाला, एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, यार पहली बार मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ देख तो लो, बट ठीक है काम भी ज़रूरी है, इट्स ओके। एंड आई थिंक ईयरिंग्स में ये वाला ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि जो दूसरा वाला है ये वाला, इसमें इतना ऑरेंज लुक नहीं आ रहा जो कि मेरा अटायर है पूरा, तो आई विल गो फॉर इट। आई विश ज्यादा हैवी ना हो, ये मैंने मंगवा के रखा होता लेकिन आज तक नहीं पहना। ओ गॉड, ये तो बहुत हैवी है, मेरे खाल लटक रहे हैं, मुझे इतना हैवी पहनने की आदत भी नहीं है। मैंने एक बार ही बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी थी, वो भी अपनी शादी पे, और सच में मेरी क्या बैंड बजी थी उस टाइम, मेरे कान लटके जा रहे थे, मैं लिटरली ऐसे पकड़ रही थी। ये मैंने इयररिंग्स इतने टाइम से मंगवा रखे हैं, आई गेस कोविड के टाइम में मंगवाए थे, मतलब 1-1.5 साल हो गया और मैं आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। मेरे साथ यही दिक्कत है कि मैं मंगवा बहुत कुछ लेती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पहनती या ओकेजन नहीं आ पाता। इट्स लुकिंग गुड बट बहुत ज़्यादा हैवी है, कान पूरे खिंच रहे हैं, थोड़ा सा रेड भी हो गया है। एनीवेज ये तो सॉर्टेड है, मैं इसको थोड़ा सा जुगाड़ करके मांगटी का के तौर पे यूज करूंगी एंड आई फील ये लुक अच्छा लगने वाला है। तो चलो मैं पहले थोड़ा रेडी हो जाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। A few moments later. So, मैं पूरी तरह सेट हो चुकी हूँ, पूरी तरह रेडी हूँ डांस के लिए। और मैंने बोला था आपको ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी, बट गाइस जैसे मैंने ये इयररिंग्स पहना ना, थोड़ा इधर उधर फेस लाया, मेरा कान लिटरली एक साइड पे लटका ही जा रहा था। तो मैंने सोचा भाई अवॉइड करते मैचिंग बाद में देखेंगे, पहले जो कम्फर्टेबल है वो हम अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैंने ये वाले इयररिंग्स चूज़ किए और मैंने बच्चों की तरह यहाँ पे हेयर पिन लगा लिया ताकि ये टिका रहे। आई एम नॉट श्योर कितना रहेगा टिका हुआ इससे, बट अभी जिसके पास मैं जाऊंगी उससे हेल्प लूंगी। और ये और रह गया लगाने के लिए, ये मुझसे खुद से तो लग नहीं पाएगा, तो मैं किसी की हेल्प लूंगी जो मेरी हेल्प करे ऐसे लगाने में। और ये लुक कुछ इस टाइप का आएगा। और रही नेकलेस की बात, तो मेरे पास नेक पीस ऐसा नहीं है जो एक सेट के साथ था, जो मैंने आपको दिखाया था वो जा नहीं रहा है इस अटायर के साथ, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ या फिर
ऐसे डांस कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे पतिदेव बिजी हैं, फुल बिजी हैं। हमारे बोले तो कितनों का पति है। मेरा मतलब मेरे पतिदेव फुल बिजी हैं अभी काम करने में, और ये पहली बार मैं 8 सालों में, मतलब डांस कई बार किया लेकिन अपने पति के सामने पहली बार परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन उसमें भी इनका कुछ ना कुछ मीटिंग शेड्यूल हो गया है। कम वक्त ऑफिस। चलो बाय, मिलते हैं बाद में। थैंक यू। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी दीदी के पास, जिन्होंने मुझे नेकलेस में हेल्प की, और आप मेरा कंटेंट जाकर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और फिर हमारा स्टार्ट हुआ डांस परफॉर्मेंस। कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने पूरा सॉन्ग नहीं डाला। फिर हमने ली कुछ फ़ोटोज़, और कुछ फ़ोटोज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने ये व्हाट्सएप से रिसीव की थी। बट एक डांस में पार्टिसिपेट करना भी एक ज़रिया होता है लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों को और जानने का, तो आई थिंक मुझे काफ़ी कुछ एडवांटेज मिला इस परफॉर्मेंस का। डांस परफॉर्मेंस के बाद मैं वापस आ गई थी घर पर लगभग 8:30 बजे, और मोहित शायद से काम से थक गए थे ऑफिस वर्क की वजह से, जिस वजह से फिर वो जल्दी सो गए थे, और क्यान के लिए टीवी लगा दिया था, तो क्यान आराम से टीवी देख रहा था यहाँ पर। क्यान ने मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद देखा तो काफ़ी खुश था, तो मैं उसे यहाँ पर कर्डल कर रही थी, और वो भी मुझे एक बच्चे की तरह पुचकारता है जो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। देखिए वीडियो में। फिर मैंने बनाया झटपट और सिंपल खाना, वो था मटर आलू की ग्रेवी, ये हम दोनों को बहुत पसंद है, और साथ में बनाई रोटी। फिर मैंने मोहित के लिए खाना परोसा और साथ में अपना भी खाना लिया। मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि जब भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो ज़्यादा खाने का भी मन नहीं करता है। आप भी बताना गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।